आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, सो पहले वीडियो को देख लीजिए कि कैसे ये ट्रिक काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं WhatsApp ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी सिंपल सा मेरा WhatsApp होम पेज ओपन है, यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक कमाल की ट्रिक जिसके जरिए से मैं आसानी से अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हर जगह आप अपनी फोटो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कहीं भी अपने फोन के WhatsApp में किसी भी ऐप में चाहे Facebook हो चाहे YouTube हो कहीं भी अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से फोटो लगाना तो आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके YouTube में भी फोटो लग जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं YouTube आप यूज कर रहे हैं YouTube में भी आपकी फोटो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में लग जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों है ना बिल्कुल कमाल की ट्रिक। अगर आप चाहते हैं किसी भी ऐप के अंदर चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब हो कहीं भी अगर आप चाहते हैं अपनी फोटो कुछ इस तरीके से लगाना तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल नई ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूं। अगर कोई भी आपके फोन को देखेगा एक बार आपसे जरूर पूछेगा भाई ये तुमने कैसे किया है, मुझे भी बताओ मुझे भी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप की लिंक दे दूंगा जिसका नाम है आप देख सकते हैं ये एक एप्लीकेशन के जरिए से आप कर सकते हैं जिसका नाम है आप देख सकते हैं डिजाइनर टूल्स। इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन पे डाउनलोड कर लेंगे, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद नीचे आना है आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है ठीक है ओवरले मॉकअप ओवरले, इसको आपको यहां से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहां से अपनी एक फोटो सिलेक्ट करनी अपनी गैलरी से ठीक है। तो चलिए मैं यहां से एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं जो मैं लगाना चाहता हूं ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं ये फोटो लगाना चाहता हूं तो यहां से मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे आप इसे फिर से ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपके फोन पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। आप अगर आप WhatsApp ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से आपकी इमेज कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से जितना भी ब्लर करना चाहते हैं जितने भी बैकग्राउंड में फोटो लगाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप बैकग्राउंड में अपनी फोटो सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना बिल्कुल कमाल की ट्रिक। अगर आप चाहते हैं इसे हटाना बंद करना तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लिक करना और ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी फोटो। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक जा चुकी है और इसके बाद फिर आप लगाना चाहते हैं अपने दोस्तों के सामने आप खुद को इंप्रेस करना चाहते हैं उनको तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी ऑटोमेटिक फोटो लग जाएगी। जब भी इसे लगाना है हटाना है आप अपने हिसाब से लगा हटा सकते हैं। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं इसे यूज करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.